प्रथम तहलका न्यूज और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अंबाला में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की कल से शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कल सुबह 11 बजे एक टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में ये टीका लगाया जाएगा। अनिल विज ने ट्रायल के लिए वॉलेंटियर के तौर पर अपना नाम दिया था और इसी नाम को लेकर अब जो है कल यानी शुक्रवार को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को 11 बजे टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ये टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की टीम की देखरेख में ये टीका लगाया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर साझा की है। उन्होंने कहा है कि कल मुझे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाएगा और ये टीका पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में कल सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि इस बारे में अनिल विज ने कल यानी बुधवार को ही संकेत दे दिया था। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपना नाम जो है एक वॉलेंटियर के तौर पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कल सुबह 11 बजे टीका लगाया जाना है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में ये टीका लगाया जाना है और विज ने ट्रायल के लिए एक वॉलेंटियर के तौर पर अपना नाम दिया था। आपको बता दें कि विशेष टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में ये टीका उनको लगाया जाएगा। रोहतक पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम की देखरेख में अनिल विज को ये टीका लगाया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कल मुझे बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाएगा और ये टीका पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में कल सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। दरअसल ये सब जानकारी जो है वो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट में दी है और उन्होंने कहा है कि कल सुबह 11 बजे मुझे जो है वो कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अंबाला में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की कल से शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कल सुबह 11 बजे एक टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में ये टीका लगाया जाएगा। अनिल विज ने ट्रायल के लिए वॉलेंटियर के तौर पर अपना नाम दिया था और इसी नाम को लेकर अब जो है कल यानी शुक्रवार को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को 11 बजे टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ये टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की टीम की देखरेख में ये टीका लगाया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर साझा की है। उन्होंने कहा है कि कल मुझे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाएगा और ये टीका पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में कल सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि इस बारे में अनिल विज ने कल यानी बुधवार को ही संकेत दे दिया था। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपना नाम जो है एक वॉलेंटियर के तौर पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कल सुबह 11 बजे एक टीका लगाया जाना है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में
ये टीका लगाया जाना है और विज ने ट्रायल के लिए एक वॉलेंटियर के तौर पर अपना नाम दिया था। आपको बता दें कि विशेष टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में ये टीका उनको लगाया जाएगा। रोहतक पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम की देखरेख में अनिल विज को ये टीका लगाया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कल मुझे बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाएगा और ये टीका पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में कल सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। दरअसल ये सब जानकारी जो है वो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट में दी है और उन्होंने कहा है कि कल सुबह 11 बजे मुझे जो है वो कोवैक्सीन प्रशिक्षण में टीका लगाया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। प्रथम तहलका न्यूज और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अंबाला में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की कल से शुरुआत